तो अब हमने टू वे नोवा की बात की कि द स्पेशल फीचर ऑफ़ टू एनालिसिस ऑफ एनालिसिसगेंसीज इज इट नॉट ओनली टेल्स अस द मेन इफेक्ट ऑफ ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट इट ऑल्सो टेल्स अस द यूनिक इफेक्ट इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ बोथ वेरिएबल वर्किंग टुगेदर जिस तरह आपने एग्जाम्पल में भी हमने आउटपुट फाइल में देखा कि जेंडर का मेन इफेक्ट नहीं है यानी कि मेल और फीमेल पे कोई कंबाइंडली उसके डिप्रेशन स्कोर पे फर्क नहीं पड़ रहा बट व्हेन वी एडेड ट्रीटमेंट एंड जेंडर टुगेदर देर वॉज़ अवज और सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ इंटरक्टिंग बोथ ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल और ये हमें कैसे पता चलेगा और इसकी हम इंटरप्रटेशन कैसे करेंगे वी नीड टू लुक एट द इंटरेक्शन प्लॉट जो हमें एस पी एस एस आउटपुट के साथ हमें देता है क्योंकि हमें याद है कि हमने आउटपुट में उसको चेक किया था कि वो हमें इंटरक्शन प्लॉट्स दे सो इंटरक्शन प्लॉट्स बेसिकली आउटपुट हमें बताता है uh, for, uh, इस प्लॉट के अंदर इट विल टेल अस द डिप्रेशन स्कोर्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स अक्रॉस द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ये हमारे पास इंटरक्शनल प्लॉट मैंने वहीं से कॉपी कर लिया एस पी एस एस से ही इसके अंदर ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसको एक्सप्लन कर सकें एज यू कैन सी के दिस प्लाट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अलोइंगस टू विजुअली इंस्पेक्ट द रिलेशनशिप अमांग वेरिएबल्स सो अगर आप देखें तो ये आपकी जो लाइन है ये हमारी ट्रीटमेंट वन के लिए है यानी अगर हमने फर्स्ट करें सिर्फ मेन इफेक्ट ट्रीटमेंट का देखना है तो आपका ट्रीटमेंट वन के अंदर डिप्रेशन के स्कोर किस तरह से आ रहा है और ट्रीटमेंट टू के अंदर आपका डिप्रेशन का स्कोर किस तरह से आ रहा है सो सिग्निफिकेंटली ट्रीटमेंट वन के अंदर आपका स्कोर अगर हम एवरेज निकालें तो यहाँ पे आएगा और ट्रीटमेंट टू का स्कोर हमारे पास यहाँ पे आएगा यानी ट्रीटमेंट वन से डिप्रेशन का स्कोर काफ़ी हद तक कम है एज़ कम्पेयर टू ट्रीटमेंट टू इसी तरह अगर जेंडर में देखें तो जेंडर में आपका है ये मेल है और ये फीमेल है तो मेल के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर हम चाहे वो ट्रीटमेंट वन यूज़ कर रहे हैं या फिर ट्रीटमेंट टू यूज़ कर रहे हैं उनका दोनों का स्कोर डिप्रेशन का एक ही रह रहा है लेकिन यू कैन सी कि फीमेल्स के लिए दे इज ह्यूज डिफरेंस यूजिंग ट्रीटमेंट वन और ट्रीटमेंट टू फॉर द ट्रीटमेंट टू डिप्रेशन स्कोर इज मच हाई एज कम्पेयर टू ट्रीटमेंट वन विच इज़ वेरी लो एज़ लो एज टू सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इंटरेक्शन का मतलब है कि आपका जो डिप्रेशन स्कोर है यानी ट्रीटमेंट जो आपके दो लेवल्स हैं दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फॉर फीमेल्स बट नॉट फॉर मेल्स सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पीसो मस अन्फर्स करें अब मैंने दो थेरेपीज़ लगाई हैं एक कोग्नेटिव थेरेपी है एक बिहेवियर थेरेपी है अब दोनों थेरेपीज से मैं डिप्रेशन का इलाज कर रही हूँ तो अब दोनों थेरेपीज़ में वो कह रहे हैं कि जी जेंडर का इफेक्ट नहीं है लेकिन थेरेपी का इफेक्ट है डिप्रेशन के ऊपर लेकिन वेन आई लुक एट कि फीमेल्स के लिए आपकी बिहेवियर थेरेपी इज वर्किंग मच बेटर एज कम्पेयर टू कॉग्नेटिव थेरेपी सो दिस विल गिव मी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वायल डीलिंग विद द डिप्रेशन क्लाइंट्स दैट हाउ एंड विच डायरेक्शन आई हैव टू मूव सो ये सारा इसमें डिटेल लिखी हुई है कि किस तरह से है ऑल दो प्रेजेंटेड लास्ट द प्लॉट्स आर ऑफन यूजफुल टू इंस्पेक्ट फर्स्ट टू हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सो इसमें ना सिर्फ हम दोनों का इंडिपेंडेंट इफेक्ट देख सकते हैं ग्राफ के अंदर बल्कि हम देख सकते हैं कि दोनों इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं यानी जैसा ये आपको बता रहा है कि आपका जेंडर इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जब आप ट्रीटमेंट को बीच में लेके आते हैं हालांकि पहले जेंडर का सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया लेकिन अब आप जब आपने कहा कि ट्रीटमेंट ए और बी तो अब सिग्निफिकेंट हो गया कि भाई ट्रीटमेंट ए इज़ वर्किंग डिफरेंटली फॉर फीमेल्स एज कंपेयर टू ट्रीटमेंट बी सो मेन इफेक्ट फॉर जेंडर इज नॉट सिग्निफिकेंट आप प्लॉट से भी आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि एवरेज उसका यहीं पे आएगा छः के ऊपर ही आ रहा है और मेन इफेक्ट फॉर ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन द टेंडेंसी फॉर डिप्रेशन स्कोर टू इंक्रीज़ फ्रॉम ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट जो कि ग्राफ से मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है प्लॉट शो द इंटर डिपेंडेंस ऑफ द बोहोत फैक्टर्स ट्रीटमेंट वन इज लाइकली टू प्रोड्यूस अ डिक्रीज इन डिप्रेशन स्कोर फॉर फीमेल्स दैन मेल तो ट्रीटमेंट वन जो है वो बहुत डिक्रीज कर रहा है स्कोर्स के अंदर डिप्रेशन एज कम्पेयर टू ट्रीटमेंट टू जबकि ट्रीटमेंट टू अगर आप देखें तो वो फीमेल के लिए बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन का स्कोर लेके आ रही है